new beginning, a fresh perspective that inspires the dreamers to grow into the biological world until that magical moment while you are studying and suddenly things make sense. Welcome to Biologics. This is Chandrasekhar Rao and I will be teaching you the biology for the entire academic session. Biology is, it is all completely dependent upon life, okay? The life that is inside you, the life that you are living, that life that you want to share with others, the life in which you want to crave in for the every inch of the details that you want to have, okay? Everything is completely dependent upon life. So basically, what includes in biology, okay? Hum padhte kyun hai isko? Iska basic reason kya hai, okay? इसको आप ऐसे नहीं पढ़ो कि हाँ एक बर्डन है, एक सिलेबस है, हमें उसे ख़त्म करना है, या फिर हमारा कोई मोटिव है, लाइक हमें मेडिकल्स क्रैक करना है या कोई दूसरे एंट्रेंस के लिए जाना है। नहीं, हम आईआईटी के लिए पढ़ना चाहते हैं, हमें कंप्यूटर अच्छा नहीं लगा इसलिए हम जंप कर रहे हैं बायोलॉजी लेके। ऐसे नहीं है, ठीक है? कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पहले चूज़ करो कि आपको लेना क्या है। और आप अगर बायोलॉजी लिए हो तो इसका मतलब आपको पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है बोल के आप बायोलॉजी लिए हो, राइट? और अगर पढ़ना है तो भाई कैसे पढ़ना है, ओके? कितने डेप्थ में पढ़ना है, व्हाट आर आवर लिमिटेशंस, आई विल बी टेलिंग यू एवरी सिंगल डिटेल, ओके? द थिंग अबाउट बायोलॉजी इज इट फैसिनेट्स अस, इट फैसिनेट्स अस अबाउट एवरीथिंग। It fascinates us about every single entity that is present in this entire universe. Like life begins from a unicellular organism, starting from a microscopic organism till a macroscopic entity. Life exists in each and every individual. आप सोचो, एक ant में भी life present है, एक blue whale में भी life present है. So life का कोई practical like symbolism या life का कोई एक प्रैक्टिकल सब्सटेंस है कि हाँ भाई दिस इज लाइफ? नो, यू कैन नॉट से दैट। व्हाट इज लाइफ? इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके? इट इज अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली, एंड दैट केमिकल रिएक्शन इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर बॉडी, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल रिएक्शंस और अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है? तो आप जब पढ़ रहे हो कम्प्लीटली, ओके, सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, आई विल बी टेलिंग यू और आई विल बी शेयरिंग यू द डिटेल्स, okay, about how to study and all, okay, about your syllabus and about your content. एक और separate video होगा जहाँ पे मैं आपको pre-medical career options क्या क्या है वो सब चीज़ बताया जाएगा आपको, NEET में आपको कैसे clear करना है, okay, कितना score होना चाहिए, bio में कितना grip होना चाहिए, सब बताया जाएगा. But since there is an introductory video, okay, I'm sharing you some of the basic details of biology. अब बात ये है भाई कि ये जो topic है, ओके, इसको पढ़ने के लिए आपके अंदर में कम्प्लीटली एक इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ओके? क्यों? बिकॉज यू आर डीलिंग विद दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, यू आर डीलिंग विद दोज थिंग्स इन विच द वर्ड ब्यूटिफुल इटसेल्फ फिट्स, ओके? जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आप देख सकते हो, उसी के बारे में आप पढ़ोगे, ओके? जो चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो, जिस जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट आएगा, वो सारा चीज़ आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पार्ट अबाउट हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड टिल द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस विच आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड स्टडिंग एवरी डिटेल ऑफ द ह्यूमन लाइक इन केस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर देखा जाएगा, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स अगर देखा जाएगा, you will be like studying about the circulatory system, the excretory system, the nervous system and every detail of it. So think how life exists. What is life exactly? And what is biology? So biology is not always about life. It also deals with the interaction of the organisms with the other abiotic factors or else with their environment. Aapka environmental interaction kaisa hoga? Har cheez aap isme dekhoge. So
does it fascinates you? Yes, it will. But that depend upon your interest. आप अगर ऐसे बैठे हो, नहीं भाई मैं तो देखते रहूँगा क्या होगा, इसको तो बस सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ नोट्स बनाना है, that shouldn't be done actually. आप नोट्स बनाओ, that is a part of your curriculum, but that's not a part of your learning. You should feel the subject inside. So I will be teaching you all those single details जो कि आपके टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएगा. And all you have to do is, you have to listen, you have to understand, and then automatically things become simple. So जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में कैटेगराइजेशन क्या है, उसको हम लोगों देखते हैं एक बार. जैसे आपका पूरा इस दो साल का जर्नी में आपको सिर्फ दो बुक्स ही फॉलो करना है, ओके, जो आपका कोर बुक्स है, जो आपका CBSE प्रेस्क्राइब करता है, विच आर NCERTs, ओके. चाहे आप CBSE बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ICSE बैकग्राउंड से हो, आपको NCERTs ही फॉलो करना है, बिकॉज वो ही जाके आपको एक्सेल कराएगा. बिकॉज आगे जाके आपका जो प्री मेडिकल एंट्रांसेस या कोई भी एंट्रांसेस है, उसमें NCERTs ही हेल्प करता है आपको. तो NCERT के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आपका जो एंटायर बायोलॉजी का जो पोर्शन है, ओके, वो कुछ इस पैटर्न में डिवाइडेड होके है, जहाँ पे लाइफ का एवरी सिंगल एंटिटी को हम लोग एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे हम लाइफ का हर एक छोटा से छोटा एस्पेक्ट को देखेंगे, ओके. जो बहुत बड़ा टॉपिक है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी NCERT क्या किया है, कंप्रेस करके दिया हुआ है, ओके. तो ये सारा आपका यूनिट्स है. यहाँ पे जो रेड कलर पेन में जो लिखा हुआ है, दीज आर द यूनिट नंबर्स, ठीक है. और ये सब जो आपका जो टेक्स्ट है, दीज आर द नेम्स ऑफ दोज यूनिट्स, और इनके अंदर में बहुत सारा टॉपिक्स इंक्लूडेड है. जैसे आप 5 यूनिट्स आप पढ़ोगे क्लास 11 में, और बाकी के 5 यूनिट्स आप पढ़ोगे क्लास 12 में. जो सबसे पहला यूनिट आप क्लास 11 में पढ़ोगे, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट इंक्लूड्स 4 टॉपिक्स, ओके. जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड है. द फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ल्ड, द सेकंड इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम, फोर्थ इज एनिमल किंगडम. रिमेंबर, ऑल द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस आर नॉट जस्ट टॉपिक्स, वो सब एक एक ब्रांच है. वो एक टॉपिक नहीं है, एक कंटेंट नहीं है, वो एक ब्रांच है, पूरा एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ओके. कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है. सो अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, जिनको पढ़ने में 2-3 साल लगता है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है तो उनका कंटेंट भी बहुत ब्रॉड है. लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारा सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है. क्योंकि पढ़ने बैठो, आपको एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप कितना भी पढ़ लोगे, बट उतना अभी ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का एक लेवल है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का एक टाइम लिमिट है, एक टाइम है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा. आप हर चीज़ के बारे में जानोगे, आप जितना अंदर जाओगे आपको उतना और डेप्थ में जाने का मन करेगा. लेकिन आगे के लिए भी तो कुछ छोड़ो ताकि आप रिसर्च कर सको, बिकॉज ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइक टॉपिक है, ओके. आपका बायोलॉजी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट है, जहाँ पे बहुत सारा ब्रांचेस एक साथ निकल सकता है. वो सब के बारे में मैं दूसरे वीडियोस में बात करूँगा, अब फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इंक्लूड्स 4 टॉपिक्स, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. लिविंग वर्ल्ड में आप इन जनरल पढ़ोगे सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ओके, कैसे हम लोग को नॉमिनक्लेट करते हैं, कैसे हम लोग को नामकरण देते हैं, जैसे हम लोग का बायोलॉजिकल नेम होता है वो सब कैसे आता है, ओके, जो हर्बेरियम वगैरह है वो सब कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट मतलब एक जनरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ओके. पूरा लिविंग वर्ल्ड में हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक जनरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. और उन क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कैटेगरीज है, जो सब कैटेगरीज है, जो डिफरेंट टैक्साज है, ये टैक्साज टर्म के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ये सारा चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे. प्लांट किंगडम में हम लोग पूरा एंटायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स उनका सब कैटेगरीज के बारे में देखेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स. एनिमल किंगडम में भी वैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में अगर देखा जाएगा
तो आपका बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे फाइलम्स है, उन फाइलम्स के बारे में डेप्थ में जाएंगे। नॉन कॉर्डेट्स में बहुत सारे फाइलम्स है, उनके बारे में भी डेप्थ में जाएंगे। वो सब चीज हम अच्छे से डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड यूनिट, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसमें हम लोग उन तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, एक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा और तीसरा आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या है, सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज में कन्वर्ट हुआ है। तो प्लांट का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, जो हमें बाहर से दिखता है, उसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। बिकॉज बाहर से एक प्लांट में क्या दिखता है, रूट दिखता है, स्टेम दिखता है, लीव्स दिखता है, फ्रूट्स दिखता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका कैटेगरीज, उनका टाइप, टोटल एंटायर लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल कैरेक्टर्स, इंटरनल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम लोग उन सेक्शंस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, अगर हम लोग उन सेक्शंस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, काट के अगर देखेंगे तो कैसे दिखता है, उसका इंटरनल अपीयरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो विद टू टर्म्स, दैट इज एनिमल टिश्यूज। ओके, एनिमल टिश्यूज का टाइप्स क्या है, जैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इस सब के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली द एनिमल टिश्यूज इज एन इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इंक्लूड्स लाइक द बेसिक टॉपिक्स जो कि आप MBBS में पढ़ोगे। ओके, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑल। तो उसके लिए बेस क्या, एक सिस्टम के लिए बेस क्या है, सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, तो भाई जब तक आप टिश्यूज के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप किसके बारे में नहीं मतलब समझ पाओगे, आप ऑर्गन्स के बारे में नहीं समझ पाओगे, आप ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं समझ पाओगे। और टिश्यूज को समझने का सबसे बेसिक जो मतलब जो आपका टॉपिक होता है, दैट इज सेल्स। तो इसीलिए आपका थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड यूनिट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में तीन टॉपिक है, एक सेल एज अ बेसिक टॉपिक जिसमें आप सेल का टाइप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डिटेल्स के बारे में जानोगे। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उनका मैकेनिज्म, लाइक कार्बो लाइक योर प्रोटीन्स, ओके, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक आपका फैट्स, लाइक आपका विटामिंस, ये सब चीज के बारे में आप डेप्थ में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल कैसे रेगुलेट हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, ओके, माइटोटिक डिविजन्स क्या होता है, मियोटिक डिविजन्स क्या होता है, इन लोगों आपस में कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। द फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो, फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, फंक्शंस पढ़ते हो बेसिकली। तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ोगे, ओके, इसमें देखा जाएगा तो आपका पांच टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके, और लास्ट टॉपिक है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट टॉपिक है क्लास 11 का, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, मतलब डाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन आपका है लाइक ओके आपका लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसका नाम है। नेक्स्ट है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन आपका नर्वस सिस्टम है, देन एंडोक्राइन सिस्टम है, एंड लास्ट टॉपिक इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लास 12 के टॉपिक्स के ऊपर में। सबसे पहला आपका यूनिट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में चार टॉपिक है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन जनरल। देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी, आप प्लांट के बारे में पढ़े हो, एनिमल के बारे में मतलब पढ़े हो, लाइफ प्रोसेस पढ़े हो, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़े हो।
यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक साथ मिला के दिया है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। जैसे यहाँ पे आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे आप सारा सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में आप नहीं पढ़े हो। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक पूरा एक यूनिट है, इसमें चार टॉपिक है, एक है रिप्रोडक्शन इन जनरल और उसका नाम दिया गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इन जनरल आपको बात किया जाएगा पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके, एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल मोड क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन का जनरल डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का जो मतलब जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका मोड होता है, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होता है, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे, ओके। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन जनरल, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। द सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। थर्ड टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। एंड द फोर्थ टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विच इज रिलेटेड विद कम्प्लीटली विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब वॉट नेसेसरी लाइक हेल्थ कंडीशन शुड वी हैव, कैसे हमें मतलब जो अवेयरनेस होना चाहिए हर एक कंडीशंस का, वो सब चीज़ हम लोग उन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है वो सब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे दिमाग वाला टॉपिक है, जीन्स के बारे में आप जानोगे, ओके। तो इसमें देखा जाएगा तो तीन टॉपिक्स रिलेटेड है, एक है आपका मतलब जेनेटिक्स का जो बेसिक मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सॉरी आपका मतलब जेनेटिक्स में है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप मतलब जेनेटिक्स में जो आपका जो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है एंड प्री मेंडेलियन बोथ पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स को भी आप स्टडी करोगे। जेनेटिक्स से कम्प्लीटली रिलेटेड एक टॉपिक है कॉल्ड एज इवोल्यूशन, दोनों का एस्पेक्ट अलग है। इवोल्यूशन इज ऑल अबाउट थियोरीज, जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डेरिवेशंस, लेकिन ये दो टॉपिक्स आपस में कम्प्लीटली रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इसमें भाई तीन टॉपिक है, एक है आपका मॉलिक्यूलर सॉरी एक है आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज इवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। आप देखो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, देखो जो पूरा सब्जेक्ट है वो कितना ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अभी कोरोना चल रहा है सबको पता है, तो ये क्या है, ये कोरोना एक वायरस है, ये वायरस एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन को, उसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड मतलब आतंक मचाने का टाइम पीरियड कितना है, ओके, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या होता है, ओके, कैसे क्योर कर सकते हैं, बहुत सारा डिजीज है उसको कैसे क्योर करेंगे, उन सब का मतलब जो क्लिनिकल जो प्रोसीजर्स है, जो प्रोसीडिंग्स है, जो एक्चुअली आप देखते हो जो डॉक्टर को, वो क्या करता है, आपका प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, टेस्ट करता है, ओके, आपका ब्लड सैंपल लेता है, उसको स्टडी करेगा, उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने बाद में क्या होगा, उसमें से पता चलेगा कि कौन सा वायरस अटैक कर रहा है, उसका क्योर क्या है, जो मेडिसिन है वो कैसे आपके बॉडी में क्योर करता है, वो सब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट नीड्स टू बी डन टू एनहांस आवर फूड प्रोडक्शन, ओके, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनाना चाहिए ताकि हम जो हमारा फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्रॉप्स बन रहा है, उनका क्वालिटी अच्छा हो। वी शुडंट बी डिपेंडेंट अपॉन क्वालिटी, सॉरी वी शुडंट बी डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी, बट वी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोग क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक सपोज 10 रुपया में एक जगह पे 4 समोसा मिल रहा है और एक जगह पे 10 रुपये पे 1 समोसा मिल रहा है, भीड़ कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे 4 मिल रहा है, वो क्वांटिटेटिव है बेटा, ये क्वालिटेटिव है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा भाई, 10 का 1 समोसा दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस तो होगा ही, और वहाँ पे 10 का 4 दे रहा है तो कुछ तो डिफरेंस है।
सो क्वांटिटेटिवली अपना फूड प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करें इन लो एक्सपेंसेस, वो सब चीज़ हम लोग को पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, जहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रोसीजर्स है, बी कल्चर है, एपिकल्चर है, सेरीकल्चर है, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है ये सब पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन के हेल्थ को सॉल्व करता है. कुछ माइक्रोब्स है देर आर कॉल्ड एज गुड माइक्रोब्स, देर आर सम माइक्रोब्स दोज आर कॉल्ड एज बैड माइक्रोब्स. We will be dealing with the good microbes once only, and we will be studying bad microbes as an exceptions part. मतलब basically वो क्या disease करते हैं, बस वो नाम याद होना जरूरी है, but the topic completely depends upon the type of good microbes. जैसे yeast क्या कर रहा है, आपका alcohol मतलब बनाने में help करता है, मतलब bread बनाने में help कर रहा है, lactobacillus क्या करता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, दीज आर द गुड माइक्रोब्स. चीज बनता है, ओके, चीज बनता है, ओके, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इनका प्रोडक्शन हो रहा है और माइक्रोब्स बेसिकली कैसे लाइक आपका ह्यूमन वेलफेयर में असिस्ट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, तो डिफिकल्ट नॉट इन द स्टेट ऑफ बीइंग डिफिकल्ट, ओके, डिफिकल्ट आप बनाते हो बिकॉज आप रटते हो, आप याद करते हो, आप मेमोराइज करते हो, नहीं, आप अगर समझोगे देन दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. और ये कंप्लीटली रिलेटेड है जेनेटिक्स से, मतलब जेनेटिक्स का आपका जो मॉलिकुलर बेस है, जो आपका जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, उससे कंप्लीटली रिलेटेड है. तो ये दो टॉपिक लॉजिकल है, सोचने लायक है. देखो, याद तो सभी रखना है, दो तरफ, दो तरीका से आप चीजों को याद कर सकते हो, एक रट के, दूसरा समझ के. समझ के याद रखने में भलाई है, क्यों, बिकॉज कहीं पे आप धोखा नहीं खाओगे, कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के आता है आप लिख सकते हो, लेकिन याद करोगे अगर आंख बंद करके रटोगे कंप्लीटली, दो आंख बंद करके कोई रट नहीं सकता है, बट आप अगर अंधाधुंध जैसा रटोगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद यू विल बी अ फेलियर. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स हैं, एक है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजियर्स, दूसरा है एप्लीकेशन. दिस टॉपिक डील्स विथ द टेक्नोलॉजी दैट वी कैन बी सॉरी दैट कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजी बेसिकली. जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बोला, क्रॉप्स को हम कैसे मॉडिफाई करें भाई, जैसे देर आर सर्टन क्रॉप्स जिनको पेस्ट खा लेता है, आप जानते हो क्रॉप्स को जो वीड्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट आर द स्मॉल इंसेक्ट्स जो क्रॉप खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे क्रॉप में. पेस्टिसाइड स्प्रे करने से पेस्ट तो मर रहा है, लेकिन क्रॉप का क्वालिटी भी तो डिक्रीज हो रहा है भाई, क्रॉप का जो एक्चुअल क्वालिटी है वो भी तो डिक्रीज करेगा, क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगा. अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी कमेगा, आउटपुट कमेगा तो प्रोडक्टिविटी कमेगा, तो उस प्रोडक्ट, तो हमें क्या चाहिए भाई, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम हो और पेस्ट भी ना खाए. ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप तो बोल रहे हो भाई सर हम मतलब बारिश में चलना चाहते हैं लेकिन हम भीगे नहीं, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, छतरी, आपको अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे भी वैसे ही है, आप क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे, आप क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे ताकि पेस्ट उसे अगर खाएगा तो पेस्ट मर जाएगा और आपको पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे ना करना पड़े. यस, देयर आर मेथड्स ताकि क्रॉप्स को पेस्ट खाएगा लेकिन पेस्टिसाइड्स आप यूज नहीं करोगे, पेस्ट क्रॉप खा के पेस्ट मर जाएगा लेकिन आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करने का नौबत नहीं आएगा. वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एज वेल एज इन एप्लीकेशन, दो टॉपिक है. नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड इट्स एनवायरमेंट. यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली आप एनवायरमेंट और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन देखोगे, जो इकोसिस्टम्स है, जो इकोलॉजी है उसके बारे में आप पढ़ोगे, नेचर के बारे में आप पढ़ोगे और उसे हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, बिकॉज दिस इंक्लूड्स फोर टॉपिक्स,
सबसे पहला है आपका इकोसिस्टम, दूसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लाइक कंजर्वेशन, मतलब फर्स्ट टॉपिक है आपका जो सीक्वेंस में देखा जाएगा तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट का इंटररिलेशन। सेकेंड टॉपिक इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके मतलब ब्यूटी जो वर्ड है ना वो इस टॉपिक में है भाई। ओके आप ओशियन के बारे में जानोगे, नेचर के बारे में जानोगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में जानोगे, लैंडस्केप्स के बारे में जानोगे, आइलैंड के बारे में जानोगे, वहाँ का जो वैरायटी क्या है, वैरायटी मतलब फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स बेसिकली। ओके प्लांट्स एंड एनिमल्स का टाइप क्या है, देखिए इकोसिस्टम के हिसाब से टाइप डिफर करता है, माउंटेन में टाइप अलग होगा, ओशियंस में टाइप अलग होगा, प्लेन्स में टाइप अलग होगा, प्लेन मतलब ये वाला नहीं, प्लेन्स ओके ग्रासलैंड्स बेसिकली, मतलब प्लेन्स मतलब एक फ्लैट एरिया, प्लेन्स में अलग होगा, ओके ग्रासलैंड्स पे अलग होगा, आइलैंड्स पे अलग होगा, ये सारा चीज सब पढ़ोगे। द वर्ड ब्यूटी, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड ब्यूटी। इकोलॉजी एंड इट्स एनवायरमेंट में आप जो मैं बोला कि आप मतलब जो इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम होने के बाद में आप पढ़ोगे जो आपका जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, सब आज के डेट में अपना एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज करें, जैसे हम लोगों ने मतलब बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स किए हैं, नेशनल सेंचुरीज किए हैं, आपका नेशनल पार्क्स किए हैं, सेंचुरीज किए हैं, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हिसाब से बाय फॉलोइंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ, ओके अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो आपको मिलता है, जो उन इंडिविजुअल्स को मिलता है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक बहुत नेसेसरी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह होता है, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मतलब पॉल्यूशन का टाइप्स क्या क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये सब हम देखेंगे। सो देखने में ये टॉपिक्स है, पढ़ने में ये सिलेबस है, लेकिन है तो ये लाइफ ना, आप लाइफ को ही तो तोड़ के देख रहे हो, आप लाइफ को ही तो स्प्रेड की हो, ये सब क्या है बेटा, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दुनिया में कुछ नहीं है। आप कितना वैरायटी देख रहे हो, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम डाइवर्सिटी एंडिंग विथ व्हाट इकोसिस्टम, मतलब ये पूरा एक सर्कल है, और एनसीईआरटी चैप्टर्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंटरलिंक्ड, आप इनमें से कोई भी यूनिट उठा लो मैं उन दोनों को लिंक कर दूंगा, एवरीथिंग इवन मतलब डाइवर्सिटी इज लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके बिकॉज डाइवर्सिटी में जो एनिमल्स है उनके बॉडी में तो सेल्स होगा ही भाई, उनका तो एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी तो होगा, तो उन सेल्स का मतलब फिजियोलॉजी है प्लांट फिजियोलॉजी, अगर प्लांट सेल्स है तो, अगर एनिमल है तो उनका भी तो अपना एक मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है सेल्स तो उनके बॉडी में है ही, और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही, रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफर होगा That comes under genetics. और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जीन्स ट्रांसफर हो रहा तो जरूरी है क्या सब चीज सेम हो, अरे तुम अपने पापा ऐसा दिखते हो क्या, तुम अपने मम्मी ऐसा दिखते हो क्या, नहीं ना, तुम तो दोनों का इंटरमिक्स हो ना, ओके फ्यूजन हो, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद में एक स्पीसीज चेंज हो जाता है, एक ही कैरेक्टर अगर बार बार दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशन आएगा, एंड वेरिएशन इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये सब चीज स्मूथली चलने के बाद अगर बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या डिसऑर्डर होता है या अगर कोई आके अटैक करता है बॉडी में, वो सब हम पढ़ेंगे आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो अटैक करने वाला बेसिकली क्या होगा, अगर मतलब क्या होगा, जैसे फूड के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट, माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब हम सब मतलब इसमें पढ़ेंगे। फूड को कैसे एनहांस करना है, क्या क्या करना है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में, हर वो चीज़ जो नेचर से रिलेटेड है, जो साइंस से रिलेटेड है, जो कम्प्लीटली उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, दैट इज लाइफ, और वही लाइफ का
ये सब एक एक फॉर्म्स है। दूसरी बात, हर एक यूनिट के पहले एक नमूना इंट्रोड्यूस किया है एनसीईआरटी, हर एक यूनिट के पहले। दोज आर द साइंटिस्ट्स बेसिकली जो उस यूनिट पे काम किए हैं, कहीं ना कहीं उस यूनिट में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर किए हैं जिनके वजह से उनको कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट लाइक टाइटल्स और प्राइजेस मिला है। वो साइंटिस्ट का नाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये सब, विथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सब भी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बात पूरा नहीं बोलता। एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक ऑफ टॉपिक्स, इट्स अ बुक ऑफ कंटेंट। पूरा बुक एक कंटेंट बुक है। आपको एक एक लाइन को इलेबोरेट करके पढ़ना है। सो यू नीड अ पैटर्न, यू नीड अ स्केड्यूल टू स्टडी। ओके, एट बायोलॉजिक्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरी सिंगल डिटेल अबाउट हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू डू, हाउ टू अप्रोच द टॉपिक्स, कैसे आप फील्ड बनाओगे। कोई भी टॉपिक आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली मत पढ़ना। आपको इजी लग सकता है लेकिन क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आएगा। पहले एक फील्ड बनाया जाएगा ताकि उन टॉपिक्स को अप्रोच कर सको। पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ताकि उस टॉपिक पे आप जंप कर सको, तब जाके एनसीईआरटी का लाइन समझ में आएगा। समझ में आए? तो एनसीईआरटी प्यार के जैसा है, मतलब एनसीईआरटी का लाइन्स प्यार के जैसा है। एक बार में समझ में आता नहीं है बेटा, बार बार भी अगर पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा जब तक कोई समझाने वाला ना हो, ठीक है। सो ऑल दिस टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, और ये हर टॉपिक में एक डिफरेंट फैसिनेटिंग लाइक एक अप्रोच है, ओके, ताकि आप उसको समझ सको और आप उसको एनालाइज कर सको और आप अपीयर कर सको आपका जो भी टारगेट्स है। सो ये सारा टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला 5 यूनिट हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, दूसरा 5 यूनिट हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। और बोलने की बात है, ये पहला जो 5 यूनिट है, मतलब बेसिकली आपका क्लास 11 का जो टॉपिक्स है वो थ्योरेटिकल है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थ्योरेटिकल भी है, लेकिन क्लास 12 का टॉपिक्स कंप्लीटली लॉजिकल है। दिमाग से सोचोगे तो ही समझ में आएगा। तो पहला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, दूसरा पार्ट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, इट्स लाइक आप अगर रोज अगर दाल चावल खाओगे तो एक दिन बोर हो जाओगे। वैसे अगर यहाँ पे सिर्फ दाल चावल, यहाँ सिर्फ अगर थ्योरी होता, यहाँ भी थ्योरी होता, तो आप ऑब्वियसली बोर होते। तो इसलिए वो कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप पहली बार में दाल चावल खाओ, दूसरी बार में पिज्ज़ा बर्गर खाओ विथ ओरिगैनो। अरे समझ में आ रहा है? ओके, सो करना क्या है भाई, कुछ नहीं, जो लेक्चर्स है उसको अच्छे से सुनना है, उसको समझना है, नोट्स आपको दिया जाएगा। हाँ, एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कौन सा बुक फॉलो करें। आप कोई भी बुक फॉलो करो, इट डजेंट मैटर। हर बुक में थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, लेकिन आपको अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है एक चैप्टर में मन लग रहा बस पढ़ते जाओ और सडनली एक दिन मालूम चला कि नहीं भाई इतना पढ़ना ही नहीं था, बिकॉज उतना ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में है उतना आपको पढ़ना है, एंड सिलेबस के हिसाब से स्ट्रिक्टली यू शुड बी अप टू द सिलेबस, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज मैं पहले ही बोला हूँ, हर एक टॉपिक एक ब्रांच है। आप सोचो ना, आप बात करते हो इसका मतलब लाइक आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ब्रांच है, कार्डियोलॉजी बोलते हैं उसको। तो पूरा कार्डियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको 2 साल लगेगा भाई, और यहाँ पे आपको 2 साल में सब पढ़ना है। शुड बी हैविंग सम लिमिटेशंस, राइट? उन लिमिटेशंस को मेंटेन करना है, बाकी आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, मेरा लेक्चर्स आप सुनो। यू शुड बी हैविंग अ प्लेन नोटबुक, एक प्लेन नोटबुक आपके पास होना चाहिए। बिकॉज आर माइंड इज अ फोटोजेनिक माइंड, ह्यूमन का माइंड फोटोजेनिक होता है। मतलब आप नोटबुक में जो भी स्क्रिबल करोगे, मतलब कलरफुल अगर वो होगा तो माइंड उसे ईजिली रिकैप्चर करता है। जितना कलरफुल होगा उतना ईजिली माइंड उसे रिकैप्चर करेगा। दैट्स द लाइक ट्रिक। ओके, सो यू शुड बी हैविंग कलर्ड पेन्स वाइल यू राइट। जैसे ड्रॉइंग डायग्राम्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको अगर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, आप तुरंत मार्क करो, नोट्स जितना ज़रूरत है, मतलब जितना आपका सिलेबस में है उतना आपको नोट्स मिल जाएगा, पॉइंट्स आप लिखे हो दोनों को कोरिलेट करके कॉमन नोट्स आप बना लोगे, जो डायग्राम्स बनाया जाएगा जैसे बनाया जाएगा आप वैसे ही उसको लिखोगे, आप वैसे ही उसको ड्रॉ करोगे, तो कलर्ड पेंस यूज़ करोगे। एंड बायोलॉजी नीड्स रिविजन, आप जितना भी पढ़ो जैसे भी पढ़ो, आप जो चीज़ बोर्ड में पढ़ रहे हो उसी चीज़ का नोट्स आपके पास होगा, आप एक बार उसको रिवाइज करोगे आपको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है आज हम एक लेक्चर सुन के उसका नोट्स पढ़ें, 7 दिन 8 दिन 1 महीना बाद उसको भूल गए, फिर दूसरे बुक से वही टॉपिक पढ़े तो आप कन्फ्यूज हो गए, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। जो आप पढ़ रहे हो, जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो उसी का ही नोट्स आपके पास है, एक बार पढ़ो, पहली बार पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरी बार पढ़ने में टाइम कम लगता है, तीसरी बार और कम लगता है, चौथी बार आपको याद हो चुका है, आप सिर्फ रिवाइज करो, सिर्फ देखोगे। सो बायोलॉजी नीड्स रिविजन बिकॉज इतना इमेंस नॉलेज है, इतना ज़्यादा नॉलेज है, एंड विदाउट रिविजन दिस इज नथिंग नथिंग, ओके। सो आपको हर चीज़ समझना है और हर चीज़ को रिवाइज करना है। सो वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी वेर यू कैन फील every single cell is getting transformed inside you so that you can have the taste of different life processes that is going inside us. And finally, I heartily welcome you to my small hub of biology where you can do what you love to do. So explore till you achieve, stay motivated, stay fit, stay strong. Jai Hind, this is Chandrasekhar Rao and welcome to Biologics.